पबजी वर्सेस फ्री फायर ये इंडिया के सबसे ज्यादा खेले जाने वाले गेम है। आपको कौन सा गेम पसंद है नीचे कमेंट करो। मेरा फेवरेट फ्री फायर। अगर आप फ्री फायर लवर हो तो आपकी आईडी मैं खुद इंस्टाग्राम पे प्रमोट करूंगी, तो जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। एक बंदा बोल रहा है कि पबजी में यूसी खरीद के देख, औकात पता चल जाएगा कि बेटा तुम्हारी यूसी और हमारी डायमंड बहुत आगे। तुम लोग साल भर में जितने का यूसी खरीदते हो ना, हम लोग दिन में उससे कई गुना ज्यादा डायमंड खरीद के हवा की तरह उड़ाते हैं। और बेटा ज्यादा औकात की बात किया मत कर, अगर अपनी औकात जाननी हो ना तो 17 साल की उम्र से अपने माँ बाप की कमाई खाना छोड़ दे, तब खुद पे खुद अपनी औकात पता चल जाएगी। और हम फ्री फायर वाले, गलती से भी हमें छूने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे हाथ जल जाएगी। मेरा यही अंदाज इस मतलब इस जमाने कि फ्री फायर मत कर, चलती हवा को रोक देते हैं। और बेटा हमारे मुंह मतलब पबजी वाले हैं, बिना स्कोप लगाए ठोक देते हैं तेरा बाप। क्या पबजी सारा पबजी प्लेयर का मुंह तोड़ देंगे? अरे तुम हमारा एक प्रो बंदा मार के बता दो, हम फ्री फायर खेलना छोड़ देंगे। ए लड़का, ए। जी सर। 1 रुपए का पेट्रोल डाल दो। सर इतना पेट्रोल डला के कहाँ जाएंगे सर आप? अरे कहीं जाना नहीं है, ऐसे ही दिन भर पैसा उड़ाते रहते हैं हम। मेरे पास 0 डायमंड थे, मैं डीजे आलू खरीदने गया, टॉप अप मांग रहा था, टॉप अप पे क्लिक किया तो पैसे मांग रहे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मुझे एक ट्रिक पता चली, उससे मैंने अनलिमिटेड डायमंड ले लिए और डीजे आलू परचेस कर लिया। अगर आप लोग को भी चाहिए तो मेरी प्रोफाइल ओपन करो, यूट्यूब का एक बटन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना, यूट्यूब चैनल आएगा, इस चैनल के अबाउट वाले ऑप्शन में जाना, ब्लू कलर में फ्री डायमंड लिखा हुआ उस पर सीधा क्लिक कर देना, उसके बाद ऐप आएगा, उसको इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर से लॉगिन करना, आपको भी मिलेगा। जब तक फैसले खुद के ना हो राजा भी गुलाम रहेगा। अजीत, जब तक फैसले खुद के ना हो राजा भी गुलाम रहेगा, और चाहे कोई कितना ही बड़ा शहजादा हो हमारे लिए तो आम रहेगा। जब तक फैसले खुद के ना हो राजा भी गुलाम रहेगा। भाई आज मेरा मोबाइल ना बाल्टी में गिर गया था। क्या बात कर रहा है भाई, खराब हो गया होगा अब तो? नहीं नहीं, अरे हो गया होगा। अरे नहीं हुआ, अबे मेरा भी हो गया था। अरे सुनते सही, बाल्टी में पानी नहीं था। अपुन सोचा अपुन का बेड़ा पार हो गया, बोले तो बाप साला अपुन को भी प्यार हो गया। ए धनिया इधर मत मार, समझा क्या? क्यों? इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। छोटा बड़ा क्या, तेरे को तो दिमाग ही नहीं है साले, इंसानियत काम की कोई चीज ही नहीं है। जान बचाने के तू 500 रुपये लेगा। ए धनिया, तुम्हारी इंसानियत की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली है, जल्दी से मुझे 100-100 की 5 हरी पत्ती दे दे तो मैं निकलूं। और न दूं तो फिर कोई बात नहीं, कल जब तेरा बेटा मुझे मिलेगा ना तो बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे कुएं में धकेल दूंगा। तेरा अपना हिसाब किताब फिर तुझ, और इसकी मिठाई है ना तू खा लेना। जिंदगी में पहली बार गर्लफ्रेंड बनाई वो भी निकली गूंगी, गौर फरमाइएगा। जिंदगी में पहली बार गर्लफ्रेंड बनाई वो भी निकली गूंगी, लेकिन जब सेक्स करने गया तो वो भी बोल पड़ी, बिना कंडोम चाहे तो मैं 1 इंच भी अंदर नहीं जाने दूंगी। मैंने मैसेज किया, कहती सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। बावली क्या सोचा मैं तुझे लव यू कह दूंगा? तू अब देख, यही स्क्रीनशॉट तेरे पापा को भेजूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दिल से बात करे, मैं उसी से बात करता हूँ, और मैं वो लड़का नहीं हूँ जो हर किसी पे मरता हूँ। सहमति रख ली तेरी मुझे गैर बताने में, अपना मुझे भी आजकल कोई खैर नहीं लगता। सहमति रख ली तेरी मुझे गैर बताने में, अपना मुझे भी आजकल कोई खैर नहीं लगता। तुझे पहचानने से नकार रही है आवाम, इनकी बातों से ये तेरा शहर नहीं लगता। और तुझे मारने की हिमाकत करता मैं, मगर सुना है तेरे जिस्म को कोई जहर नहीं था।
इस वफादारी ने हमारा बहुत नुकसान करवाया, अब मिलना किसी शैतानी चोर से है। अजी बहुत घाटे हुए इस वफादारी में, अब मिलना किसी शैतानी चोर से है। और वो सब कुछ करके कहते हैं तुम इश्क करना नहीं आता, अरे साफ साफ कह दो करना किसी और से है। स्कूल कॉलेज खुले ना खुले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर का स्टूडेंट मर गया, खत्म, टाटा बाय बाय। मार डालूंगा तेरे को मैं। क्यों विलन है तू? अबे खड़े खड़े तमाशा हो जाएगा। क्यों मता रही है तू? मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। क्यों विधवा है तू? एक काम करता हूँ मैं तेरे को नहीं तेरी बत्ती से गुल करता हूँ। क्यों डेंटिस्ट है तू? मसल के रख दूंगा। क्यों तंबाकू है तू? ऐसा मारूंगा सब हजम हो जाएगा। अरे कहाँ से आओगे जिंदगी में, दिल के सारे दरवाजे बंद है और हमें देख कर बड़ी जल्दी मुंह टेढ़ा कर लिया। वाह जिंदगी झंडा है फिर भी घमंड है। अरे 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 जब कोई बोलता है ना कि मुझे किसी से सच्चा प्यार हो गया, मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, ठीक है भाई? नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करूँगा भाई। ओके जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, ठीक है भाई? नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई। और गंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? चार खोखे जल्दी से डिले करो। अरे भाई ये बुटीक है, यहाँ पे लेडीज ड्रेस मिलते हैं, खोखे बोखे नहीं मिलते। अबे बिना भेजे की खोबड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा 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 करोड़, और वो भी चार। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? और गंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? बस इतनी सी बात है कि जिनमें बहुत पैसों का गरूर है उनकी औकात से हम रहते ही दूर हैं। आज तू एग्जाम्पल में नहीं अपनों में शामिल होता, कि आज तू एग्जाम्पल में नहीं अपनों में शामिल होता। जितना अच्छा तेरा दिखावा था, अगर इतना अच्छा तेरा दिल होता। अपन ने जीवन में एक चीज सीखी, जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते या अपन जीतते, पर भाई यार अपन भागते नहीं है कभी। अरे ओ पबजी वाले नल्ले, क्या सोचते हो अपने आप को, फ्री फायर के बुराई करके बहुत बड़े दादा बन गए हो बेटा, जरा अपनी औकात में रहना। हाँ हेलो, और कहाँ है? यही जी रोड पे। क्या कर रहा है? इंतजार। किसका? मौत का और कितना। अरे भाई 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 लिखते तो बहुत है, लिखते तो बहुत है, पर सबकी शायरी में वो बात नहीं। और बेटा तुम टक्कर लोगे यूपी वालों से, इतनी तुम्हारी औकात नहीं। मोहब्बत को बुरा क्यों कहूँ जब किस्मत ही मेरी खराब है। मोहब्बत को बुरा क्यों कहूँ जब किस्मत ही मेरी खराब है। वो जा रही है तो जाने दो, मेरे पास मेरी शराब है। सुनील बेटा तू बस रिवाइव कर दे, उसके बाद मैं दिखाता हूँ, तू बस रिवाइव कर। एक एक कर लास्ट में वो पोचिनक में ना बिठा के रखा ना, तू बस बोलना, देख तू देखते जा, ठीक है? इसके ऐसी की तैसी बेटू अपन को, और लॉल भी दिखा रहा था पता है, मारने के बाद लॉल भी दिखा रहा था। आई थिंक मैं कैसे पता, मतलब वो CR7 का अंदर घुस के लॉल दिखा रहा था पता है, और मेरे को पटाक से मार। कोई देखो देखो दो लंडा, देखो अभी कैसे देखो, एक एक का लास्ट कैसे बिछा था, तुम लोग बस देखते रहना। ऐसे मारेंगे ना भाई, सबसे पहले तो मेरे को वो वाला गन से मेरा टप्पी से मैं लूट लूंगा, और आराम से आराम से आराम से। तू बस हेल्प करना सुनील बेटू। अरे नहीं क्या हो रहा, लैग हो रहा। अरे नहीं यार भाई, क्या यार क्या कर दिया करीना यार, मैं मारने वाला था यार, मेरा को बदला चाहिए था यार। सीट
ओ भाई साहब, इतने बंदे देखने के बाद में भाई साहब एक बार को दिमाग आपका बौखला सकता है, लेकिन डरना मत फैक्ट्री पे आने के बाद में, सोचना मरना है मारना है। और भाई यही मेरे मन में सवाल है, लेकिन छोड़ने वाला मैं भी नहीं। ये रहा बंदा, नॉक कर दे पूरा। नीचे कहाँ जा रहा है अभी? ओ भाई कार 98 मिली लास्ट, जो कि बंदा लास्ट है इसके ऊपर, इसको एक भी डैमेज नहीं पड़ा, जो कि हम इसको पूरा मारेंगे भी। और ये डैमेज पड़ा। और भाई अभी क्या हो रहा है बे? नीचे क्या लैग मार रहा है बंदे का? क्या यार गधा, कहाँ पे गया? समझ भी नहीं आया बंदा कहाँ पे गया। उधर उधर मैजिक क्यूब सा बन के पता नहीं कहाँ पे चला गया। और भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको फुल वीडियो मिलेगी, नवाब गेमिंग चैनल का नाम, जैसे प्रोफाइल पे देख रहे हो, जाओ जाके देखो।